बॉलीवुड स्टार्स हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में प्राडा सॉन्ग्स के जरिए अपना म्यूजिक वीडियो डेब्यू किया। आलिया भट्ट का यह सॉन्ग फैंस के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों को भी खूब पसंद आया। इस म्यूजिक वीडियो में आलिया भट्ट के अंदाज के साथ ही उनका डांस भी काफी लाजवाब था, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। अब आलिया भट्ट अपने इस गाने को लेकर बुरी तरह फंस गई हैं। दरअसल प्राडा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने इसके निर्माता द दूरबीन पर पाकिस्तानी गाने गोरे रंग का जमाना चुराने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आलिया भट्ट का गाना प्राडा पाकिस्तान के 90 के दशक के जबरदस्त गाने गोरे रंग का जमाना से मिलता जुलता है। महविश हयात ने अपने ट्वीट में लिखा, ये काफी विचित्र है। जहां एक तरफ बॉलीवुड पाकिस्तान का तिरस्कार करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह लगातार हमारे गाने चुराता रहता है। कॉपीराइट उल्लंघन और रॉयल्टी भुगतान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बता दें कि आलिया भट्ट का गाना प्राडा 12 अगस्त को रिलीज हुआ था, जिसने लिरिक्स और म्यूजिक के दम पर लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर रिलीज हुए सॉन्ग पर कुछ ही देर में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। आलिया भट्ट का यह दमदार गाना द दूरबीन ने बनाया था। वेल, ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि स्टार्स किसी न किसी बात को लेकर ट्रॉल होते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारे E24 के कैमरामैन ने आलिया को जुहू के विशेष ऑफिस के बाहर स्पॉट किया। आलिया ग्रे जैकेट में काफी कूल नजर आ रही थी। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया जल्द ही सड़क 2 फिल्म में नजर आएंगी।